नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भारत की विकास दर का अनुमान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान वर्ष 2021-22 में पहले 11% लगाया था, जिसको घटा करके अब 10% कर दिया है। इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की विकास दर 10.5 रहेगी, किंतु अब ये अनुमान घटा करके 9.5 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि 10.4% भारत की विकास दर रहेगी वर्तमान वित्त वर्ष में, किंतु अब यह अनुमान घटा करके 7.9% कर दिया है। इसी प्रकार से विश्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की विकास दर 10.1% रहेगी, जो अब घट करके 8.3% रह गई है। नया अनुमान जो है वो विश्व बैंक का है कि भारत की विकास दर 8.3% रहेगी। इसी प्रकार से फिच और मूडीज ने भी अनुमान लगाया है। तो फिच ने अनुमान लगाया था कि 12.8% विकास दर रहेगी, किंतु अब अनुमान है उनका कि 10% ही विकास दर रहेगी। इसी प्रकार मूडीज का भी है कि पहले 13.9% विकास दर का अनुमान था, जिसको घटाकर 9.6% कर दिया है।